बिना एक भी कुश्ती हारे गामा दुनिया के सारे बड़े पहलवानों को हरा चुके थे। कई साल तक उनके बराबरी का कोई पहलवान नहीं मिला। 1940 का वक्त था, गामा की उम्र 60 साल के करीब हो चुकी थी। उन्होंने पहलवानी कम कर दी थी, लेकिन फिर भी हैदराबाद के निजाम के बुलावे पर वो कुश्ती के लिए हैदराबाद गए। उस उम्र में भी गामा ने एक एक करके निजाम के सारे पहलवानों को हरा दिया। आखिर में निजाम ने अपना सबसे बेहतरीन जवान पहलवान हीरामन यादव को भेजा। हीरामन यादव की हैदराबाद में काफी शोहरत थी, वो हैदराबाद का एक बड़ा नाम था और वो भी अभी तक नाकाबिले तस्खीर था। दोनों के बीच मुकाबला काफी देर तक चला, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और आखिर में मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। गामा पहलवान की ये आखिरी बड़ी कुश्ती थी। गामा पहलवान का जितना बड़ा जिस्म था, वो उससे भी बड़े दिल के मालिक थे। सन 1947 में बंटवारे के वक्त गामा ने अपने मोहल्ले में एक भी दंगाइयों को घुसने नहीं दिया। उन्होंने लाहौर के सभी हिंदू और सिख भाइयों की हिफाजत की और उन्हें सही सलामत भारत भेजा।